थे एक स्टूडियो में, मेरा अपना गाना मैं रिकॉर्ड करवाने गई हुई थी और दूसरा उसमें दो तीन रूम्स थे, रूम खुला और आईमा बेग सामने थी, मैं थी हमारे शो में था, क्या कर रही है। अब पूरी टीम मेरे साथ फोटोग्राफर्स की आई हुई थी, वीडियोग्राफर्स की भी आई हुई थी, तो मैंने आ वो की और वो उधर से वीडियो शुरू, कैमरा शुरू और उधर से मुझे कहना शुरू की जी आप गाना गाए ना, तो मैंने गाना गाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा तो मेरा गाना, मैंने ऐसी जिंदगी गा दिया, वो वायरल हो गया। कौन सा गाया तो बाकी भी सुना देना। लेकिन यही बात है कि और ज्यादा मुझे हेट भी जो आता है वो लड़कों की तरफ से ही आता है लाइक, और मैं तो ये भी दिखाता हूँ कि लाइक मैं उस तरह का बर्गर का बच्चा भी नहीं हूँ, यू नो लाइक यूजुअली लेकिन इट्स नॉट माय फॉल्ट इन ठीक है, मतलब कि मैं कहता हूँ बंदे लाइक ज़्यादातर हेट इस वजह से भी मुझे आता है, लोग कहते हैं कि तुम बर्गर हो, तुम हर वक्त इंग्लिश बोलते रहते हो, अब माँ बाप ने इतना पैसा लगाया है इतना लगाए चाहे 10 लोगों 100 लोगों 1000 लोगों उनके सामने बोल सकता हूँ मैं झिझकूंगा नहीं, यू नो लाइक झिझक नहीं आती किसी को, जितनी बोल सकता हूँ जितनी मैं इंग्लिश अच्छी बोल सकता हूँ, लेकिन अभी भी लाइक एवरी डे इज अ न्यू डे टू लर्न थिंग्स ठीक है। मैं अभी भी कहता हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कहता हूँ एक ऊपर वाले की जात है लिटरली, अभी भी अगर बंदा देखा जाए तो बंदा कुछ भी नहीं, हम क्या है, हम एक दूसरे के अलावा कुछ भी नहीं है। Train I'm not a big shot or anything like that. I love the sport, love all the care and love, like literally thank you for everything. Aur main jo bhi hu main logo ki wajah se hu aaj, like main itni badi bhi cheez nahi hu, ha of course
बॉस अभी जर्नी बहुत लंबी है, अभी तो बहुत लंबी जर्नी है, बट जिधर खड़ा हो भाव तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग और अल्लाह और दे, लेकिन अल्लाह दे इज्जत के साथ। तो आप सारा टाइम ले गए और आपने ऐसी सी बात की, मैं खुद बोलूं कि मैं तो अभी यहाँ पर नहीं, क्या मजाक कर रही थी, बोला ऐसे ऊपर से मोटिवेशन स्पीकर आ गए, दैट वाज रियली गुड। हमारे पास एक और कंटेंट क्रिएटर भी जो कि बहुत मसरूफ लग रहे हैं और वो बहुत ही मसरूफ है और वो हारमोनियम से बाहर नहीं आ रहा, मतलब अवे ताले अवे ताले ये तो जो कर रहा है अब्बा आपके हारमोनियम बजा रहे हैं, आप ही बजा रहे हैं। नहीं नहीं ये पहले तो भाई राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर वन एंड ओनली हारमोनियम। इनका जो कॉन्टेंट है बहुत ही मजा ही होता है, थोड़े से मेरे कॉम्पिटिटर भी तो फट रही है, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार पिज्जा इनका हो जाए तो फिर भाई नॉमिनेट ना करेंगे, ठीक है मजाक करें। नहीं नहीं अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे, मुझे आपका कंटेंट पर्सनली बहुत बहुत अच्छा लगता है। सो आपने कब से जर्नी शुरू की, मतलब आपने क्या सोच के बनाना शुरू किया वीडियो, आपको कभी हेट मिला, मतलब आप इतनी कोई जर्नी कोई मोटिवेशन स्पीक कुछ कर दे, मतलब यार मैंने ना जब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की थी वो स्टार्ट की थी हेलो हेलो हल्की हल्की आ रही है अच्छा कंटेंट क्रिएशन में स्टार्ट की थी कोरोना में, ठीक है। तो जब असल में था इंग्लैंड था, एमबीए मैंने किया था वहां से, तो मैं वापस आया था यार यार थोड़ी सी मेरी भी बनती है फ्लेक्सिंग यार। अच्छा तो जब मैं वापस आया था तो मैंने कहा यार अभी 5-6 महीने कोई जॉब शॉप कुछ भी नहीं करनी, ठीक है। तो 2-3 महीने मैं वेला बैठा रहा, घूमा फिरा इधर उधर, उसके बाद कोरोना स्टार्ट हो गया, तो 5-6 महीने मुझे और एक्स्ट्रा बैठा रहा। तो उसी दौरान जो है ना मैंने, मुझे शुरू से शौक था एक्टिंग का 16-17 साल की उम्र से, लेकिन अब्बा जी ने कहा था इंजीनियरिंग तो करनी है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग तो हमारी इंजीनियरिंग के अलावा हमारी यहाँ पे डिग्री भी मानी भी जाती है लड़कों की, इंजीनियरिंग या डॉक्टर बनना पड़ता है आपको, उसके अलावा जो भी डिग्री होती है ना वो आप कहते हैं जी यार ये डिग्री क्या है यार, ठीक है मरासिया काम से स्टार्ट कर दिया, ठीक है हमारे यहाँ पंजाबी है प्योर, तो हमारी ये चीज आती है कि हाँ इसके अलावा सारी मरासिया डिग्रियां रहते हैं, मीडिया स्टडीज को पंजाबी पता ही कहते हैं, इवन मुझे भी अभी कहते हैं तू इतनी इंजीनियरिंग की थी है, ठीक है पंजाबी समझा नहीं, इतनी इंजीनियरिंग की थी है, उसके बाद तेनों बाहर पढ़न भेजे है, उसके बाद तू मरासी वाले काम कर रहा है मीडिया पे बैठ के, मैंने कहा यार वो तो करन तो जेको करदा नहीं करदा मैं। तो उसके बाद तकरीबन 5-6 महीने मैं फिर मैंने सितंबर में 2020 में जॉब स्टार्ट कर दी इस्लामाबाद में ना एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। तो तकरीबन मैंने 6 महीने वो जॉब की थी, उसके बाद मैंने कहा यार एक जो है ना एक चांस बनता है, क्योंकि मेरी 1-2 वीडियोस वायरल हुई थी फेसबुक के ऊपर, तो मुझे काफी लोगों ने कहा था कि यार तो एक जो है ना गो दे। तो मैंने 2021 में जून में मेरे से जून में स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों ही, तो मैंने प्रॉपर स्टार्ट किया था कि मैंने कहा यार एक बार ना अब रगड़ दे एक बार। तो वो 3-4 महीने जो है ना आप समझे कि यार मेरी एक महीने में 20-25 वीडियो में डालता था इंस्टाग्राम के ऊपर, मैंने अपने हाथों से लिखी थी वीडियोस में सारे कंटेंट ना बैठ के, कि मैंने कहा यार अब जब डालनी है तो किस बीच में ना कोई नागा नहीं होना चाहिए। तो वो जो था ना वो तकरीबन मेरे उस टाइम थे 14-15 हज़ार फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम के ऊपर, तो 30-40 थे फेसबुक के ऊपर। तो उसके बाद फिर तकरीबन 5-6 महीने के बाद अभी फेसबुक के ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कितने इंस्टाग्राम के ऊपर 112 फेसबुक के ऊपर कल 150 में आप बहुत ज्यादा कर रही हैं, आपने कहा था कि लड़कों को आपसे बड़ी पता नहीं क्या है, अभी कल परसों में वीडियो देख रहा था आपकी यार, क्या मतलब मुझे लड़कों से मसला है? नहीं लड़कों से मसला नहीं, आपको आप वर्ड से मसला है। अरे यार मैंने बता दी भाई सीधी सी बात है, आप वर्ड बहुत प्यारा होता है ना, अच्छा लगता है कोई बोले, पर अब अच्छा ही लगता है तुम बोल रहे हो पूरी जिंदगी और एकदम से आपको अच्छा आप तो आप उन हो गए एकदम से तू तड़ाक से, मतलब
दैट वाज माय पॉइंट बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जली करें अपने खावंदों को इसका मजा के कोई मतलब नहीं ना लेकिन भाई अच्छा आप वैसे तो वैलेंटाइन मेरा तो मैं तो बकवास करती रहूंगी तो मैं अपनी जर्नी नहीं सुनाने वाली सबने सुन सुन के पक चुके होंगे अब तक लेकिन मैं अभी भाई देखिए वैलेंटाइन डे आने वाला है ठीक है तो अभी अम्मा भी सामने बैठी हुई है सारी बोले खोलेंगे हम तो भाई आप ना हम सबसे पूछेंगे कि उनका पहला क्रश कौन था और उनके जो पहला कोई भी ऐसा मतलब कोई ऐसा आपका क्या कहते टाकरा हुआ हो जो पहला पहला प्यार हो आई डोंट नो व्हाट टू से बट क्या द फर्स्ट लव तो उसके बारे में पूछेंगे देखो 16 में हो जाता है ये बकवास नहीं करना